हेलो फ्रेंड्स, मामी भांजी किचन में आपका स्वागत है। आज बनाऊंगी मैं केक, वो भी मैदा से, और बहुत जल्दी इजी तरीके से बनाऊंगी। तो आप देखना हम किस तरह बनाएंगे। तो हम चलते हैं आगे, रेसिपी शुरू करते हैं। मैं लूंगी एक केक टिन और इसमें मैं लगाऊंगी ऑयल। ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दूंगी। और इसमें मैं डाल दूंगी एक बटर पेपर इस तरह से, और इस पर भी मैं ऑयल लगा दूंगी। इससे हमारा केक आसानी से बाहर आ जाएगा। इसके साइड में भी लगाऊंगी। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले मैं गैस चालू करूंगी और गैस में बिल्कुल मीडियम रखूंगी, और इस पर रखूंगी मैं बाटी वाला ओवन। आज मैं बाटी वाले ओवन में केक बनाऊंगी। आप चाहें तो कढ़ाई या कुकर में भी बना सकते हैं। और इसको मैं इस तरह से ढक दूंगी जब तक हमारा गर्म हो जाएगा। और अब हम चलते हैं केक का बैटर बनाने के लिए। थोड़ी सी ली है टूटी फ्रूटी, इसमें मैं ये सूखा मैदा डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। इससे हमारे केक में नीचे नहीं बैठेगा ये। और अब मैं लूँगी एक बॉल, बॉल में डालूँगी मैं थोड़ा सा बटर, ये 2 चम्मच बटर है। साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी ये रिफाइंड ऑयल, और मैं इसमें डालूंगी ये दही। दही मेरा अच्छा वाला है, सेपरेटा वाला दही नहीं है। और इसको अब हम मिक्सर की मदद से मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसको थोड़ा मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी ये शुगर पाउडर। इस शुगर पाउडर मैंने घर पे ही तैयार किया है मिक्सी में पीस के। ये हमारा 150 ग्राम शुगर पाउडर है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको कम से कम 5 मिनट तक फेंट लिया है। इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है जब तक ये क्रीमी ना हो जाए। और अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए बेलना एसेंस डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और बस अब हम चलेंगे आगे। इसमें रखूँगी एक छलनी, इसमें डालूँगी मैं 1 कटोरी मैदा। पहले 1 कटोरी डालूँगी और अभी 1/2 कटोरी मैं और डालूँगी, यानी कि हमें 1.5 कटोरी मैदा यूज करनी है इसमें। ये 1/2 कटोरी मैदा हमने और इसमें ऐड कर दिया है। और मैं इसमें डालूंगी साथ ही साथ 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। इससे क्या है, साथ में इसको छान देंगे तो ये मिक्स अच्छे से हो जाएगा। अभी मैं इसको हल्के हाथों से मिलाऊंगी। ये हमने मिक्स कर लिया है, पर हमारा बैटर अभी बहुत गाढ़ा है। अभी हम इसमें दूध ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, इसको मिलाएंगे बहुत धीरे धीरे। अभी भी गाढ़ा है, अभी हम इसमें और भी दूध डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। इतना दूध इसमें लग गया है। और अब हम इस समय इसमें डाल देंगे ये मिक्स करके रखी थी मैंने टूटी फ्रूटी।
थोड़ी सी बचाएंगे ऊपर के लिए सजाने के लिए। हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम लेंगे केक टिन, ये इसमें मैं इस बैटर को डाल दूंगी। और अब मैं इसमें ऊपर से ये टूटी फूटी से इसको सजा दूंगी। अब हम चलते हैं, इसको गैस में रखते हैं। ये हमारा हीट भी दे रहा है, अब हम इस पे रखेंगे ये अपना केक टिन और इसको कवर कर देंगे कम से कम 40 मिनट या 45 मिनट तक। हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, इसके बाद हम मिलेंगे आपसे। फ्रेंड्स 40 मिनट हो चुके हैं और हम अपने केक को चेक कर लेते हैं। वाओ, बहुत ही अच्छा हुआ है। अभी मैं इसको चेक करती हूँ। ये देख ली, बिल्कुल क्लियर निकल रहा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसका ठंडा होने के लिए थोड़ा वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं और हम इसको छू पा रहे हैं, इतना ठंडा हो चुका है। और अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सुपर सॉफ्ट अच्छा बना हुआ है केक। मैं काट के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पंजी बना हुआ है ये केक। आप बताइए आपको ये केक कैसा लगा। तो आप अपने घर में कब ट्राई करेंगे, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।